तेलंगाना के केयर टेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद के अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र से टीआरएस के उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए खिताब किया। अंबरपेट के खादरी बाग इलाके में मुनक्कदा इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पिछले 4 सालों में जो तरक्की टीआरएस सरकार ने करके दिखाई है वैसे काम पिछले 60 सालों में भी कांग्रेस या फिर तेलुगु देशम की सरकारों ने नहीं किया। उन्होंने अंबरपेट से टीआरएस के उम्मीदवार की जीत को यकीनी करार देते हुए कहा कि जिन रियासतों बीजेपी की सरकारें मौजूद हैं वहां भी तरक्की के सिमत कोई काम अंजाम दिए नहीं गए। उन्होंने अंबरपेट की आवाम से टीआरएस के उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश को वोट देकर कामयाब कराने की अपील की। बीजेपी पार्टी किशन रेड्डी मरियु टीआरएस एमएम पार्टी अभ्यर्थी कालेरू वेंकटेश गारु अंदरिकी विनवे भारत देश 20 రాష్ట్రాలలో బీజేపీ పరిపాలిస్తుంది. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఆసరా పెన్షన్ వృద్ధులకు పెన్షన్ ఇచ్చేది లేదు. 20 రాష్ట్రాలలో మిషన్ భగీరథ లేదు. 20 రాష్ట్రాలలో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ లేదు. 20 రాష్ట్రాలలో 24 గంటలు కరెంటు ఉచితం లేదు. 20 రాష్ట్రాలలో రైతు బంధు రైతు బీమా పథకం లేదు. అయ్యా మరి ఎందుకేయాలన్నా మీ బీజేపీకి ఓటు? నరేంద్ర మోడీ గారు అమిత్ షా గారు ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న మైనార్టీలను అటాక్ చేసుకుంటూ మంటలు చేస్తున్నారు. మన మైనార్టీ సోదరులందరూ ఒకటే ఒక విషయం గ్రహించాలి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ అంబరిపేట నుంచి కిషన్ రెడ్డిని పంపించేయాలి, బీజేపీని పంపించేశారు. मेरे नौजवानों से मिलने के लिए आया हूँ, खासतौर से फूलबाग के लोगों से। ये तो बहुत फूलबाग लगेबाग तो मेरे नौजवानों, मैं आपसे 4 बात बताना चाहता हूँ। तेलंगाना क्यों हासिल किया गया, तेलंगाना के बाद कैसी तरक्की हो रही है, हमारे जो मुखालिफिन है वो तेलंगाना की तरक्की देख नहीं सक रहे, इसमें किशन रेड्डी भी वो नहीं चाहते कि यहाँ के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। जब रिजर्वेशन का बिल असम्बली में आया सबसे ज़्यादा मुखालिफत करने वाले यही किशन रेड्डी थे। क्या करना चाहिए थे लोगों को, घर को भिजाना चाहिए ना? जो हमारा साथ नहीं देते हमारी तरक्की नहीं करते, हमारे सीएम एक महान इंसान है। और आपके लिए आज खासतौर से हमारे सतीश भाई जो मेरे साथ 17 साल से काम कर रहे हैं, 18 साल से आपके इंचार्ज हैं, और आपके जो होने वाले एमएलए, मैं तो आज कहूँगा कि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि सीएम साहब ने कालेरू वेंकटेश साहब को जब बी फॉर्म किया तो कहा कि मैं सर्वे करा चुका हूँ, आप अंबरपेट से जीत चुके हैं, क्योंकि टीआरएस का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती। बल्दिया का इलेक्शन आप देख चुके हैं, आप जरा हिंदी में बात कराओ। बल्दिया का इलेक्शन आप देख चुके हैं, यहाँ से 7 में 1 कारपोरेट जीते, 6 टीआरएस जीते, 5 से 5 अपने जीते। तो मेरे भाइयों मैं आज ये बताना चाहता हूँ, और हमारे कई शायदी भी यहाँ मौजूद है, हमारे ख्वाजा भाई यूथ लीडर है, हमारे मुनीर भाई है, महीम भाई है, शेख जावेद साहब है, मोहम्मद दुनिया साहब है, जहांगीर भाई साहब है, सैयद सलीम साहब है, जहीम साहब है, मोहसिन भाई साहब है जो हनुमान के, जावेद शरीफ साहब है, अतीफ बाबा साहब है, समीउल्लाह साहब। आप देख रहे हैं DK5 तेलंगाना का पहला मल्टीलिंगुअल न्यूज़ चैनल।